अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग दोबारा से निहारी ट्राई कर रहे हैं जी। कल लेके आए बोंग का गोश्त, स्पेशल गोश्त लेके आए थे। ये हमारे भाई हैं, दोस्त भी हैं, इमरान भाई। ये अपनी शॉप से ले आए थे, तो दोस्तों की फरमाइश थी कि आज दोबारा जो है ना, आज आपने निहारी बनानी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है जी फहीम भाई, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह जी। आज फहीम भाई इधर ऊपर सहरी करा रहे हैं सबको, और मानू भाई निहारी बना रहे हैं, और भोंग छोंग लेके आए हैं। आज इंशाल्लाह जितने भी दोस्त हैं सारे दोस्त ऊपर सहरी करेंगे, और उसके अलावा जो है ना जी, फिर सहरी सहरी करके नमाज पढ़ के फिर अपने घरों को चले जाएंगे। इमरान भाई हमारे साथ हैं। ये कि जहाँ पर हम फंस जाते हैं, जहाँ समझ ना आए, तो फिर हम ये इमरान भाई की हेल्प लेते हैं। ये देख लें जी, गोश्त बहुत जबरदस्त। हड्डियाँ डाल दी हैं। ये स्टार्टिंग में पहले हमने हड्डियाँ वगैरह नीचे रख दी हैं, जिससे हम नली आम दुबान में बोलते हैं। तो ये ऊपर बोंग का गोश्त है जी। ये बोंग का गोश्त ऊपर रखना है। ये ऊपर की तरफ, ये इससे होगा कि जिस टाइम आप इसे बॉयल करेंगे तो नीचे से जलने ना पाए। ये गेट टुगेदर हुआ हुआ हमारा। तो ये भी ये मुन्ना भाई आपको फर्दर बताते रहेंगे। मुन्ना भाई आप ही खुद ये कैमरा होल्ड करें। ये हमारे लियाज भाई गेम खेल रहे हैं जी। ये कदूस भाई हैं जी। ये इस्माइल खान है जी। ये गेम जारी है जी। तो आज सबकी सैरी इधर ही है। कोश वगैरह काफी अच्छे से गल चुका है। ये भी आपको दिखा दें, ये बोंग का कोश था। ये इमरान भाई को, ये इमरान भाई स्पून से आप चेक कर लें, बहुत अच्छे तरीके से निकाल चुके हैं। ये देखिए, अभी हम इसे अलग कर लेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे इसको। यखनी को एक साइड पर कर लेंगे। तो अभी हमने मसाला इसका रेडी करना है, वो भी आपको बताते हैं किस तरीके से इसका मसाला वगैरह हमने बनाना है। देखेंगे बहुत ज़बरदस्त किस्म का निकाल चुका है गोश्त, बहुत ही आला। भी इमरान भाई इसको लेता है, बर्तन में निकाल लेंगे सारे गोश्त को। ये आप देखे चने भी और आपके जी ऑयल डाल चुका है, फ्लेम तेज कर दिया मैंने इसका। तो जिस टाइम ये तेल गर्म हो जाएगा, तो इसमें हमने प्याज वगैरह जो है ना ब्राउन कर लेने, लाइट ब्राउन। लहसुन को इसका भूनना है इसमें। देखिए और प्याजों का कलर थोड़ा सा और ब्राउन करना हमने ज्यादा इसको, तो इसके बाद हमने मसाले ऐड कर लेने हैं इसमें। मसाले मैं अभी आपको बताता हूँ जी, इसमें आपने गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च का पाउडर जो है ऐड करना है। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है, 1 टेबलस्पून जो है ना नमक है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून आलमोस्ट इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अभी इसमें ऐड करने लगे जी, जो मसाले आपको बताए थे ये ऐड कर देंगे सारे इसमें। हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगे, मसाले जल लगे। जो चीज़ ऐड करी है नेचुरल का डेली मसाला है न्यारी का, ये आपने ऐड लाजमी करना है। ये एक मसाले को अच्छे से भून लेना है इसको। इसमें
अभी इसमें गोश्त ऐड करूँ, लेकिन गोश्त नहीं ज़्यादा होगी, छिलके वगैरह नहीं हिलाना। बड़े आराम से चमचा जो है ना इसमें हिलाना है। वजह ये है कि गोश्त काफ़ी गल चुका है ऑलरेडी, तो ये है कि पीस में टूट जाएगा। अच्छे से भुनाई हो रही है, आप इसमें यखनी ऐड कर रहे हैं? हम इसमें यखनी ऐड हो जाएगी सर, ये पहले से हमने निकाल ली थी, सारी डाल दो जी। ये देखिए जी अच्छे से बॉयल आ चुका है। अभी इसमें हम ये जो बताया था आपको आटा मिक्स करने लगे हैं गंदम का, इसके साथ जो है ना इधर चमचा हिलाते रहना है जिससे गुटली वगैरह ना बन जाए। भाई में कितना आटा ऐड किया आपने इसमें? ऑलमोस्ट डेढ़ जो है ना डेढ़ कप आटा जो है ना इसमें ऐड कर लिया, गंदम का आटा, देसी गंदम। इसे ये इसमें थिकनेस इसकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, वो न्यारी में थिकनेस जो होगी वो अच्छा टेस्ट आपको देगी। अभी हम इसमें ऐड करने लगे हैं, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसमें नली वगैरह होती है वो जो है ना खाने में जो उसका गूदा होता है, हल्की आँच पर एक घंटा आपने दम लगाना है, इसके बाद आपकी न्यारी रेडी हो जाएगी जी। फहीम भाई जी अभी हम इसे दम पे लगाने लगे हैं, ये फाइनल टच था, ये दम लग चुका है जी। चलो कुछ पापा जी, अभी हम इसका दम खोलने लगे हैं जी। देखिए दम के पास की क्या सूरत निकली है, जरा देखिए शायद भी नज़दीक लेके आए जी। देखिए ऑयल वगैरह ऊपर आ गया सारा, तो ये बेहतरीन किस्म की देखिए थिकनेस काफ़ी अच्छी है, देखिए कलर अभी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन गई है। तो अभी ये सर्व करेंगे, खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि ये कैसी चीज़ बनी है जी। चारकाला ये दोस्त अहबाब जो भी ये सब सब इकट्ठे हम बैठ के भी खाएंगे। माशाल्लाह जी फहीम भाई, रेडी होके जी ये देखें मानो भाई सर्व करते हुए। अभी हम सब दोस्त बैठ के खाना खाएंगे, सैरी करेंगे इंशाअल्लाह। मानो भाई सर्विंग कर रहे हैं, तो ये भी खाएंगे तो पता चलेगा, ये भाई लोग बताएंगे कि टेस्ट कैसा था निहारी का। तो इंशाअल्लाह आप इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें।